इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए तो नया वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ब्लड कोआगुलेशन के बारे में जानेंगे। ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग क्या है? सपोज़ मेरे हाथ में एक कट हुआ तो यहाँ से ब्लड निकलेगा। अब ब्लड तो लिक्विड होता है तो 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट तक यहाँ से लिक्विड ब्लड निकलेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते वो लिक्विड ब्लड एक जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और 3 मिनट से लेके करीबन 5-6 मिनट या 8 मिनट के बीच में वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग का डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ए जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक मैकेनिज्म है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन फैक्टर्स और एक मेटल आयोन्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? तो कुल मिला के किसी किसी किताब में आपको 12 फैक्टर्स मिलेगा, किसी किसी किताब में आपको 13 फैक्टर्स मिलेगा। अब 12 है या 13 है वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको बोलूँगा, ठीक है? तो पहले आइए जान लेते हैं वो 13 फैक्टर्स क्या है, पहले जान लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है? फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रॉम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 प्रो एक्सिलरिन, फैक्टर 6 एक्सिलरिन, फैक्टर 7 प्रो कॉन्वर्टिन, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर। इस फैक्टर के अगर किसी के बॉडी में ये फैक्टर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग हीमोफीलिया कहेंगे, मतलब हीमोफीलिया डिजीज से वो अफेक्टेड है या हीमोफीलिया ए डिजीज से अफेक्टेड है, ठीक है? फैक्टर 9 और क्रिसमस फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर, फैक्टर 10 या स्टुअर्ट प्रोअर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक सी फैक्टर, फैक्टर 12 हेजमैन फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर, फैक्टर 13 लकी लोरेंट फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, ठीक है? अब जो 13 फैक्टर्स का नाम मैंने बताया उसमें से आप रिवाइंड करके देख लीजिए कि फैक्टर 6 जो फैक्टर मैंने बताया यानी एक्सिलरिन फैक्टर वो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? पहले माना जाता था कि ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन बाद में देखा गया कि फैक्टर 5 जो है या प्रो एक्सिलरिन फैक्टर है उसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वही फैक्टर 6 या एक्सिलरिन फैक्टर है, ठीक है? तो फैक्टर 5 और फैक्टर 6 बेसिकली सेम चीज़ है। फैक्टर 5 है उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म और फैक्टर 6 है उसका एक्टिवेटेड फॉर्म। अभी हम लोग ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म को डिटेल में देख लेते हैं। पहले शुरू करते हैं फैक्टर 1 और फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ये रहा फाइब्रिनोजेन का स्ट्रक्चर। अब फाइब्रिनोजेन के दोनों तरफ छोटा छोटा पेप्टाइड अटैच्ड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोपेप्टाइड ए, इसको कहते हैं फाइब्रिनोपेप्टाइड ए, इसको कहते हैं फाइब्रिनोपेप्टाइड बी। अब पहले क्या होता है, ये फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और फाइब्रिनोपेप्टाइड बी को यहाँ से अलग करना पड़ता है। तो अगर फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और फाइब्रिनोपेप्टाइड बी यहाँ से मतलब डिलीट हो जाएगा तो परा रहेगा सिर्फ ये बीच का पोर्शन, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फाइब्रिन मोनोमार। अब बहुत सारा फाइब्रिन मोनोमार जब बन जाएगा तो वो आपस में जुड़ने के कारण से ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये रहा एक मोनोमार, ये रहा दूसरा मोनोमार, ये रहा तीसरा मोनोमार, ऐसे बन जाएगा फाइब्रिन फाइब्रिन पॉलीमार या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं
फाइब्रिन थ्रेड। अब ये फाइब्रिन थ्रेड जो बनता है वो रहता है सॉफ्ट एंड फ्रायबल। अब हमने मछली पकड़ने का नेट ज़रूर देखे होंगे, वो नेट या जाल जिससे बनता है वो है नाइलॉन का थ्रेड। क्यों? क्योंकि नाइलॉन का थ्रेड होता है बहुत ही मजबूत या स्ट्रांग, तो उसमें आके जब मछली फंसेगा तो उसके प्रेशर से वो जाल नहीं टूट जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो नेट लाइक या मेश लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आके ब्लड कॉर्पसल्स आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये जो फाइब्रिन पॉलीमर या फाइब्रिन थ्रेड बना, ये सॉफ्ट एंड फ्रायबल है तो इससे काम नहीं चलेगा, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस फाइब्रिन पॉलीमर को स्ट्रॉन्ग करता है एक फैक्टर जिसका नाम है फैक्टर 13। देखिए जिस जो एक्टिवेटेड फॉर्म में, इसलिए 13A मैंने लिखा, तो एक्टिवेटेड फॉर्म में फैक्टर 13 का नाम क्या है, देखिए लकी लोरेंट फैक्टर या फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो इस फाइब्रिन पॉलीमर को स्टेबिलाइज करता है ये फैक्टर 13। तो स्टेबल होने के बाद जो फाइब्रिन थ्रेड बनता है, ये थ्रेड बन गया। अब ये थ्रेड, बहुत सारा थ्रेड एक के साथ दूसरा, ऐसा बहुत सारा थ्रेड मिलके देखिए नेट लाइक या मेश लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिन मेश। अब इस फाइब्रिन मेश में ही क्या होगा, जो ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स है वो आके ऐसे फंस जाएगा। ये देखिए ये सब आरबीसी है, ये आरबीसी के बीच में मैं जो ये राउंड कर रहा हूँ, आप इसको आरबीसी का न्यूक्लियस मत समझिए, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी ऐसा बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है ना, बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर, तो इसलिए अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो बीच में ऐसा राउंड आपको लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसके बीच में ऐसा राउंड किया, लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो देखिए फाइब्रिन मेश बन गया। अब मेश में आके ये ब्लड कॉर्पसल्स फंस गया तो यहाँ पे क्लॉट बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉट। अब ये जो मेकानिज़म हमने देखा, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि ये जो फाइब्रिनोजेन है या फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजेन, इस फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और फाइब्रिनोपेप्टाइड बी को हमें निकालना पड़ेगा। ये निकल जाने से ही फाइब्रिन मोनोमर बन जाएगा, फिर फाइब्रिन पॉलीमर बन जाएगा, फिर फाइब्रिन मेश बन जाएगा। अब फाइब्रिनोजेन से ये फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और फाइब्रिनोपेप्टाइड बी को निकालता कौन है, ये स्टेप में काम करता है जो एंजाइम, उसका नाम है थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से आ गया, ये थ्रोम्बिन बनता है देखिए फैक्टर 2 है ना, फैक्टर 2 का नाम है, फैक्टर 2 जिसका नाम है प्रो थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होने से बन जाता है थ्रोम्बिन, वो एक्टिवेटेड फैक्टर 2 या थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन मोनोमर बनाता है, फिर ये अपने आप हो जाता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, ये स्टेप में काम करता है फैक्टर 10A यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कहाँ से आएगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 आएगा इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 से, फैक्टर 10 इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10। अब इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 से अगर हम लोग इसको कहीं से भी एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना देगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन मोनोमर, फिर पॉलीमर, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का टारगेट है कि फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यही जो एक्टिवेशन है फैक्टर 10 का, ये दो पाथवे से हो सकता है, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है इंट्रिंसिक पाथवे। अब किसे हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे कहेंगे और किसे हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे कहेंगे, जिस पाथवे में जो फैक्टर्स काम करेगा, अगर सभी फैक्टर्स ब्लड में खुद से रहेगा, मतलब बाहर से नहीं आएगा, तो उस पाथवे को हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। और जब एक फैक्टर ब्लड के बाहर यानी अलग कोई टिश्यू से आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है।
तो ये पाथवे अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इस तरफ हम लोग बनाते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ये रहा इंट्रिंसिक पाथवे, और उस तरफ हम लोग बनाएंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब ब्लड वेसल में अगर डैमेज हुआ, मतलब ब्लीडिंग शुरू हुआ, तो ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम लेयर है वो टूट गया। अब एंडोथेलियम के नीचे जो टिश्यू रहता है उसमें रहता है कोलाजन, तो ब्लड वेसल डैमेज हुआ तो ब्लड वेसल में जो कोलाजन है वो एक्सपोज्ड हो गया। अब इस कोलाजन के कॉन्टैक्ट में आने से ही, इस कोलाजन के कॉन्टैक्ट में आने से ही जो फैक्टर 12 है, वो फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, ए मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म। नॉर्मली फैक्टर 12 इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है, लेकिन जब ब्लड वेसल डैमेज हुआ या कोलाजन एक्सपोज्ड हो गया तो उसके कॉन्टैक्ट में आने के कारण फैक्टर 12 अब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 बन गया। अब ये एक्टिवेटेड 12 फैक्टर क्या करता है, फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे ही फैक्टर 11 एक्टिवेटेड हुआ, फैक्टर 11 क्या करता है, फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही फैक्टर 9 एक्टिवेटेड होता है वो फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्टर एक्टिवेशन दूसरे फैक्टर का एक्टिवेशन को एनहांस करता है। ठीक है, तो एक चेन लाइक रिएक्शन है ना, तो इसलिए ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस को हम लोग ब्लड कोआगुलेशन कैस्केड भी कहते हैं या कैस्केड रिएक्शन। तो हम लोग का टारगेट था कि फैक्टर 10 को एक्टिव करना है, तो देखिए फैक्टर 10 एक्टिव हो गया, और यहाँ पे जो भी फैक्टर्स यहाँ पे काम किया सब ब्लड के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। अब जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, ये फैक्टर 10 क्या करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है फैक्टर 10 प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये रहा प्रोथ्रॉम्बिन, इसको थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट किया। अब ये थ्रॉम्बिन बहुत सारा काम करता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। थ्रॉम्बिन क्या करता है, अब थ्रॉम्बिन सीधा एक तो काम किया फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन मोनोमार बनाना शुरू किया, ये तो हो गया। फिर ये जाके यहाँ पे फैक्टर 11 को भी एक्टिवेट करना शुरू करता है। अब फैक्टर 12 तो 11 को एक्टिवेट कर ही रहा था, उसके साथ अभी थ्रॉम्बिन भी जाके उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। और क्या करेगा, फैक्टर 8 को भी थ्रॉम्बिन एक्टिवेट करेगा। तो फैक्टर 8 से क्या बनेगा, फैक्टर 8 से बनेगा फैक्टर 8A। ठीक है, फैक्टर 8 से बन गया फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 8। अब ये फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 8 फैक्टर 9 के साथ और कैल्शियम आयन के साथ मिलके और ज़्यादा फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, थ्रॉम्बिन और क्या करेगा, थ्रॉम्बिन फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करता है, तो बन गया एक्टिवेटेड फैक्टर 5। फैक्टर 5 फैक्टर 10 के साथ और कैल्शियम आयन के साथ मिलके और भी ज़्यादा प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट करेगा, तो ये मेकानिज्म का स्पीड और बढ़ जाएगा। ठीक है, थ्रॉम्बिन और एक काम करता है, थ्रॉम्बिन फैक्टर 13 को या फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर को भी एक्टिव करता है। देखिए यही फैक्टर है जो सॉफ्ट एंड फ्रायबल जो फाइब्रिन पॉलीमर है उसको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो थ्रॉम्बिन बहुत सारा काम करता है, एक बार और देख लीजिए, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मोनोमार में कन्वर्ट करना, दूसरा काम फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, तीसरा फैक्टर 8 को एक्टिव करता है, चौथा फैक्टर 5 को एक्टिव करता है, और पांचवा काम फैक्टर 13 को एक्टिवेट करता है। अब ये रहा इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 3 याद है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन,
यानी ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू रहता है उस टिश्यू से आता है फैक्टर थ्री या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये फैक्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहता है। ये फैक्टर आने के कारण से जो फैक्टर सेवन है ब्लड में, वो फैक्टर सेवन एक्टिवेटेड फैक्टर सेवन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर सेवन कैल्शियम आयन के हेल्प से डायरेक्ट आके वो फैक्टर टेन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, हम लोग का इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों का एक ही मकसद है कि फैक्टर टेन को एक्टिव करना। तो इंट्रिंसिक पाथवे में भी देखिए फैक्टर टेन एक्टिवेट हुआ, ये रहा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखिए फैक्टर टेन एक्टिवेट हुआ। ये फैक्टर सेवन जो है ये और भी एक काम कर सकता है, ये आके फैक्टर नाइन को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो देखिए जब इंट्रिंसिक पाथवे हमने पढ़ा तो इंट्रिंसिक पाथवे अकेले ही काम कर सकता है, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज इंट्रिंसिक पाथवे चालू नहीं हुआ, सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू हुआ, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू हुआ मतलब फैक्टर थ्री फैक्टर सेवन को एक्टिवेट किया। अब एक्टिवेटेड फैक्टर सेवन फैक्टर टेन को एक्टिवेट किया, टेन जैसे ही एक्टिवेटेड हुआ वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। अब थ्रोम्बिन देखिए फैक्टर इलेवन को एक्टिवेट कर सकता है, तो जैसे ही फैक्टर इलेवन एक्टिवेटेड हुआ मतलब देखिए इस तरफ आ गया ना, तो इंट्रिंसिक पाथवे बीच में से शुरू हो गया ना, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होकर वो घूम के आके देखिए वो इंट्रिंसिक पाथवे को भी चला सकता है। ठीक है, तो ये रहा ब्लड कोआगुलेशन का मेकानिज्म। अभी आप लोग के लिए एक सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों पाथवे में से कौन सा पाथवे फास्ट काम करता है, मतलब जल्दी काम करता है। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं भी इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देता हूँ। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही।